हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम अपना ट्रिप स्टार्ट करने वाले हैं अंटार्कटिका के लिए, जो कि स्टार्ट होगा परसों से। कल मॉर्निंग में 4 बजे हमारी फ़्लाइट है। 28 घंटे की ये फ़्लाइट है और हम लैंड करेंगे ब्यूनस आयरस में 3 घंटे के स्टॉप ओवर के साथ में इथोपिया में। आई नेवर टुक दिस लॉन्ग फ्लाइट, बट आई एम एक्साइटेड अबाउट अंटार्कटिका। पैकिंग सब हो चुकी है ऑलरेडी। इस ट्रिप में बड़ी बात क्या है कि हमको 2 तरह के कपड़े लेने हैं, क्योंकि साउथ अमेरिका में इस वक्त है समर्स, बट अंटार्कटिका के समर्स इज़ अराउंड -25, -20। सो हमारे पास में दोनों तरह के कपड़े होने चाहिए, सर्दी के भी और गर्मी के भी, क्योंकि ये ट्रिप बहुत लंबा है। 14 डेज़ का तो क्रूज़ है, और क्रूज़ के बाद में हम लोग चिले, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, अर्जेंटीना, ये सब एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अराउंड 60 डेज़ का ट्रिप है, तो उसके लिए अच्छी खासी पैकिंग है। तो और सेकेंड थिंग है, ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में रहेगा। एक पार्ट में हम आपको अंटार्कटिका का क्रूज़ दिखाएंगे, और सेकंड पार्ट में अंटार्कटिका दिखाएंगे जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये 14 डेज़ का क्रूज़ है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रिप। Guys, we are starting our Antarctica cruise today, and we'll ask some of the fellow travelers how they are feeling. So, Dhana, how you are feeling today? Hi, Vijay. I am very, very excited. This is my first cruise, and I'm really looking forward to it. Yeah. So, Harshada. Hi. Same as Dhara said, this is my first cruise, and I'm very, very excited for Dream Cruise Antarctica for 14 days with Gaurav and everyone around. So this is the place where we just handed over our luggages and we are waiting for our turn, and then we'll board in and the cruise will start around 5 o'clock. Now we are just entering the ship, and this is the final process. After entering it, we cannot come out till the trip ends. ज़्यादा चलना पड़ा, क्योंकि क्रूज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, और हमारा जो फ्लोर था वो 7th और 8th फ्लोर पे था। तो हमने लिफ्ट ली और हम पहुंच गए 8th फ्लोर पे, ताकि हम एक्सेस कर सकें अपने रूम्स। और जितने भी रूम्स हैं वो सब एक्सेस होते हैं आपके एक्सेस कार्ड से, और आपको जितने भी एक्सपेंस करने हैं वो भी आपको इसी एक्सेस कार्ड से करने हैं। And that is 7109. There is one more thing which most of the people are not aware, that on this cruise you don't need a Chile visa. Yes, there is a very big confusion about the Chile visa, and we also applied for it because there was no clarity. So whenever you are boarding cruise from Argentina, then Chile visa is not required. सो ये है हमारा छोटा सा क्यूट सा रूम। दिस इज़ कॉल्ड बालकनी व्यू रूम। यहाँ पे हमारे पास में एक मासिव बालकनी है, ताकि हम बाहर बैठ के व्यूज़ देख सकें। दिस सॉर्ट ऑफ रूम इज़ क्वाइट फेमस फॉर द व्यूज़। अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग में आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, व्यूज़ देख सकते हैं जब आप ओशन में होंगे तो। और साथ में ही यहाँ पे कुछ रूम्स हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव व्यू रूम है, वहाँ से आपको व्यूज़ नहीं मिलते हैं। वो थोड़ा लेस कॉस्टली होते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता उसके अंदर। यहाँ पे एक डबल बेड है 2 लोगों के लिए, एक सोफ़ा कम बेड है अगर थर्ड पर्सन आता है तो, एक टीवी है यहाँ पे, और मिरर है, कैबिनेट है सामान रखने के लिए,
प्रॉपर, और उसके बाद में टॉयलेट कम बाथरूम है विच इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूटीफुल। एंड उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास में एक छोटा सा बार भी है जो कि फुल इक्विप्ड है दारू के साथ में। मैं आपको लेकर चलता हूँ लाइब्रेरी में। जो ये लाइब्रेरी थी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, इसकी लोकेशन और द काइंड ऑफ कलेक्शन दे हैव, सो वी रियली लाइक्ड इट। वी कुडंट स्पेंड मच टाइम हियर बट वी लव्ड इट। अभी हम यहाँ से चलते हैं बफेट सेक्शन के लिए जो कि रेयर से शुरू होता है। ये वो सेक्शन है जो कि हमेशा 24 घंटे खुला रहता है। अगर आप रात को पार्टी करके कभी भी आते हैं आपको यहाँ पे खाना मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो स्नैक्स हो या सैंडविचेस हो या कॉफ़ी हो, तो यू कैन स्पेंड टाइम ओवर हियर। दिस इज़ वन पार्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव 4 to 5 मोर रेस्टोरेंट फाइन डाइनिंग ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको ड्रेस अटायर को फॉलो करना पड़ता है, तो हम यूजली यहीं पे जाते थे। एंड दिस एरिया इज़ द ओपन एरिया जहाँ पे पार्टी हो सकती है और पूल है। पूल प्लस पार्टी जब जिस दिन भी प्लान है वो यहीं पे होती है ओपन एरिया में। एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल 3 to 4 पूल्स ओवर हियर। वी रियली लव्ड द टाइम वी स्पेंट हियर। एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू एक्सप्लोर ए ब्यूटीफुल इवनिंग लाइक राइट नाउ। एंड यू कैन जस्ट सिट हियर, हैव सम ड्रिंक्स एंड यू कैन लिसन म्यूजिक एंड एंजॉय दिस मोमेंट। Guys, we are in the auction today and I never been to any auction before. Thinking of buy something from here. Let's see what they will offer and if we have that amount to buy. So we are waiting for our turn. We are 106. Our number is 106. I will tell you what I will buy. I don't think so. I will. And I think you can build a room around one of his artworks. They're absolutely stunning. Again, he doesn't use a brush. He only uses a brush just when he signs his name. I wanted to base this on the art which I like, but it is too costly. I can't buy it. So we are leaving the auction. We are going back and we'll see what else we can do. You can't take glass in this. Guys, 1 AM. I'm trying to sleep, but this ship is shaking too much. Oh, not able to sleep. So I thought of making this video.